भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अब तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करने आई हूँ वो बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है, सोचने पर मजबूर करने वाला तो है ही। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आज इस विषय पर बात नहीं की गई तो आगे आने वाले समय में ये विषय हमारे सामने बेहद भयंकर, बेहद प्रचंड रूप में हमारे सामने आने वाला है और तब ना हम इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे और ना हम खुद इस समस्या से निकल पाएंगे। दरअसल आज का जो विषय है वो ये है कि पायल तड़वी नाम की एक महिला थी, 26 वर्ष की एक महिला जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी, मुंबई में रहती थी और बीवाईएल नायक नाम के एक अस्पताल में काम करती थी। 22 मई को उन्होंने अपने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। कथित तौर पे वजह ये बताई जा रही है कि वो अति पिछड़ा वर्ग से आती थी, उन्होंने आरक्षित सीट हासिल की थी। इस वजह से उनकी 3 सीनियर डॉक्टर ने उनका बेहद मजाक उड़ाया है, उन पर शोषण किया है और उन्हें आरक्षित सीट लेने की वजह से तंज कसती रही, बार बार उन पर ताना कसती रही और उन्हें हर तरह से शोषण करने का किया। उन्होंने हर तरह से शोषण करते करते अंतिम में पायल तन्वी जी इस समस्या को नहीं झेल पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सच में पायल तन्वी जी की सबसे बड़ी यही गलती थी कि उन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया था जो उनकी जाति के लिए नहीं बना था? क्या सच में हमारे समाज में कुछ चुनिंदा पोस्ट पे पहुँचने के लिए कुछ चुनिंदा जाति में पैदा होना ज़रूरी है? क्या हमने ये नियम बना रखा है कि एक जाति विशेष के लोगों को ही अपने सपने सजोने का, अपने अपने सपने हासिल करने का हक है? क्या पायल की ये एक गलती थी कि वो एक अति पिछड़ा वर्ग से आती थी और उन्होंने आरक्षित सीट हासिल की और उन लोगों का मार्गदर्शन बनने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दबा लेते हैं कि वो इस जाति में पैदा हो चुके हों और अब इस पोस्ट पे, इस क्षेत्र में नहीं जा सकते? क्या पायल ने उन लोगों की आँखों की पट्टी खोलने के लिए ये सपने सजोए थे और इस पूरे समाज से लड़के वो वहाँ तक पहुँची भी थी और उनके साथ जो ये शोषण हुआ, क्या सच में हमारे समाज में इसके लिए कोई नियम नहीं बनना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए और सोचिए कि पायल तन्वी जैसी बेहद बेहद मजबूत महिला जिन्होंने जो सोचा वो किया और वो उस पोस्ट पे भी पहुँच गई थी, उनके भाई का क्या कहना है, उनकी माँ का क्या कहना है, आइए जानते हैं। उनकी माँ का एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। उनका बताना है कि वो कैंसर की मरीज हैं और इलाज के लिए वो एक दो बार उनके अस्पताल में गई और उन्होंने देखा कि पायल तड़वी जी के साथ जो है वो रैगिंग जैसी घटना हो रही है। रैगिंग जैसी घटना होने की वजह से पायल तड़वी जी ने सुसाइड की, उनके परिवार का कथित तौर पर ये आरोप है। उनके भाई जो हैं उन्होंने बात की पायल तड़वी की, जब ये दुर्घटना हो गई उसके बाद उन्होंने DNA अखबार से बात करते हुए बताया कि हमारे लिए सब कुछ रुक सा गया है, हमारी ज़िंदगी ठहर गई है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हमने डीन से मिलने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मिले, मैं विकलांग हूँ, मेरी माँ कैंसर की मरीज है, पायल हमारा इकलौता सहारा थी, हमारी इकलौती उम्मीद थी, मेरी बहन को 3 महिला डॉक्टर ने परेशान किया, हमने उनके निलंबन की मांग की है, हम चाहते हैं कि उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन तत्काल रद्द कर दिया जाए। ये तो बात उनकी है जिनके परिवार का सदस्य चला गया। मैं उनके साथ संवेदनशील हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3 सीनियर डॉक्टर के साथ अगर उनको अपराधी मान के उनका जो है वो उनको पनिशमेंट दे दिया जाता है, तो क्या इस पनिशमेंट से उन समाज के लोगों को भी सीख मिल पाएगी जो कहीं ना कहीं आज भी इस मानसिकता को लेके चल रहे हैं कि ये समाज का नियम बन चुका है कि हम दलित के साथ बुरा बर्ताव करते रहें, हम पिछड़ा वर्ग के साथ बुरा बर्ताव करते रहें, हम अल्पसंख्यक के साथ बुरा बर्ताव करते रहें? क्या इस जो ये पूरी घटना हुई उसके लिए क्या पायल तन्वी की गलती है कि उन्होंने उस पोस्ट को हासिल करने की कोशिश की जो उनके समाज के लिए नहीं बनी है? क्या उन लोगों की गलती है जिन्होंने इतने साल बाद भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि हर एक पोस्ट पे हर एक इंसान को, हर एक स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक को अपने सपने
जीने का हक है। क्या उनकी गलती है? क्या कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ के लिए प्रशासन की गलती मानी जा सकती है कि आज भी हमारे देश में कोई ऐसा कठोर नियम नहीं बन पाया है कि पिछड़े वर्ग के साथ, दलित और अल्पसंख्यक के साथ जो बुरा बर्ताव करते हैं उनके साथ कोई कठोर कानून बनाया जाए। क्या हमारे समाज में आज कठोर कानून ना होने की वजह से ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है? उनके भाई का आरोप ये है कि प्रशासन पे भी शिकायत की गई लेकिन प्रशासन ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, इस वजह से जो है वो इनकी जान, पायल तड़वी जी की जान चली गई। उनके पति का कहना ये है कि उन्होंने शिकायत की थी, इसके वजह से उनको कुछ दिन के लिए उनको ट्रांसफ़र किया गया था और कुछ दिन बाद उन्हें फिर उसी जगह भेज दिया गया। पायल तड़वी जी को शिकायत करने के बाद कुछ दिन के लिए किसी जगह ट्रांसफ़र किया गया और बाद में फिर उसी पुरानी जगह पर ट्रांसफ़र करने की वजह से फिर से पायल तड़वी जी के साथ बुरा बर्ताव होने लगा है और पायल तड़वी जी इस चीज़ को नहीं सह पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या अगर ऐसा ही सुसाइड, जो लोग एक तो पिछड़े वर्ग के लोग हमारे सामने, हमारे समाज में आगे नहीं आ पा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के साथ जो ये सोचते हैं कि हमारे समाज में हमें भगवान ने ही पिछड़ा बनाकर भेजा है और हमें कहीं ना कहीं पीछे ही रहना है। जो ये लोग ये सोच के अपने सपनों को तोड़ ले रहे हैं और अपने जज्बा को दबा के रख रहे हैं और ये सोच ले रहे हैं कि हम इस वर्ग में पैदा हो गए और अब हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकते, उनको जो है मार्गदर्शन का काम पायल तड़वी जी ने किया और आज उनके साथ इतना बुरा हुआ और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये समझ ले रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी आरामदेह कुर्सी में आराम से बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम तो भैया उच्च जाति के हैं और हमारे साथ बुरा नहीं होगा। तो मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो है एक ऐसे दीमक को पना दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ही कुर्सी को खोखला कर रहा है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहना चाह रही हूँ कि आप जिस आरामदेह कुर्सी में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं आरामदेह स्थिति में बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है, तो आप उस दीमक को पना दे रहे हैं जो आपकी कुर्सी को खोखला कर रहा है। और पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ना एक दिन आप भी उस कुर्सी से गिरेंगे और तब जाके आपको समझ में आएगा कि हर इंसान को समाज में ही रहना है। तो समाज को अगर हम गंदा करेंगे तो कीचड़ हमारे दामन पे भी उठेगा। तो अगर जो इंसान ये सोच रहा है कि हमें इस मैटर में बोलने की क्या ज़रूरत है क्योंकि हम तो उच्च वर्ग के हैं, हमें क्या, और जो ये भी नहीं सोच रहे कि हम उच्च वर्ग के हैं, जो ये सोच रहे हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने घर में महफूज हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप उस दीमक को पना दे रहे हैं जो आपके संविधान को खोखला तो कर ही रहा है, आपके उस कुर्सी को भी खोखला कर रहा है जिसपे आप बैठे हुए हैं और आप गिरने वाले हैं क्योंकि समाज जो है वो गंदा हो रहा है। अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ, उन महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि महिला तो ऐसे भी शोषण का शिकार होती रही हैं। लड़कियों को ना ही अपने चुनिंदा कॉलेज में पढ़ने का हक मिलता है क्योंकि माता पिता ये सोचते हैं कि कहीं हमारी बेटी पुरुष के शोषण का शिकार ना हो जाए। इस वजह से लड़कियों को अपने चुनिंदा कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बाहर जाके अपनी मनचाहे कॉलेज में पढ़ने का, अपने मनचाहे प्रोफेशनल को चुनने का अवसर नहीं मिल पाता है क्योंकि गार्जियन आज भी चिंतित रहते हैं कि कहीं मेरी बेटी पुरुष के शोषण का शिकार ना हो जाए। इस वजह से लड़कियों को चुनिंदा कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, चुनिंदा कपड़े को पहनने का मौका नहीं मिलता और कहीं ना कहीं वो अपने जज्बाओं को, अपनी फीलिंग को दबा के रखती हैं, अपने जो वो पाना चाहती हैं वो नहीं पा पाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि समाज खराब है, समाज की वजह से लड़कियां अपनी इच्छा को दबा रही हैं। और जो लड़कियां आगे आ रही हैं पायल तड़वी जी, पायल जैसी, उनके साथ जो इतना बुरा हो रहा है उन पे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये भी एक, हम पुरुष प्रधान देश को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो महिला जिन्होंने इतना बुरा किया, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें समझना चाहिए कि एक तो महिला ऐसे ही शोषण का शिकार होती हैं, कुछ चुनिंदा महिला बाहर निकल के अपने सपनों को पूरा कर पाती हैं तो ऐसी महिला उन्हें टांग खींच कर उन्हें गिराने की कोशिश करती हैं। तो क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी एक ना एक दिन इस समस्या को झेलेंगे और तब उन्हें समझ में आएगा कि जो ये हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है क्योंकि वो टोपी पहन के जा रहे हैं तो उन्हें पकड़कर पीटा जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही गई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज है, हमें पता है कि हमारे देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। अगर आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं और आज अगर हम हिंदुत्ववादी बात को कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं,
हमें हिंदुत्व को बढ़ा के रखना है, हमें मुसलमानों की कोई परवाह नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज हम अपने जो दूसरे भाई को अनदेखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आज जो हम कर रहे हैं उसकी गलती हमें भुगतनी पड़ेगी। लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी घटना के बाद जो है डीन का कहना ये है कि डीन को इसकी सूचना नहीं मिली, और अगर डीन को इसकी सूचना मिली होती तो आज जो है वो पायल हमारे बीच में जिंदा होती। इस पूरी कार्रवाई को होने के बाद अब जो है थोड़ा कड़ा रूप अपनाया गया है, और मेडिकल कॉलेज में अब जो है रैगिंग के लिए नए नए नियम बनाए गए हैं और नए तरीके से रैगिंग पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब रैगिंग के लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी मेडिकल कॉलेज में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब सारी घटना घट जाती है उसके बाद हमारी आँखें क्यों खुलती हैं। हमें पहले से ही समझना चाहिए कि हमारी जो लड़कियाँ हैं वो बाहर निकली हैं, उनके साथ रैगिंग होगी, तो हमें रैगिंग की पहले से ही कड़े नियम बना के रखना चाहिए। जब हमारे समाज में ऐसी कोई घटना हो जाती है उसके बाद हमारी आँखें खुलती हैं और तब हम सजग होते हैं और तब कहते हैं कि आज के बाद रैगिंग के लिए ये नियम बनाए जाएंगे। और जब हमारे साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब हम कहते हैं कि आज के बाद हम पिछड़े और दलित वर्गों के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे। ये सब बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इन सब चीज़ों को नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन्हें क्या मतलब है कि वो आपको ये बताने जाएं कि हमारे समाज में ये चीज़ें हो रही हैं और इन सब चीज़ों से हमारा संविधान और हमारा समाज कमज़ोर पड़ रहा है। एट लास्ट मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो घटना हमारे सामने आई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए जिम्मेदार पायल जी हैं जिन्होंने उस सपने को सजोने की कोशिश की जो उनकी जाति के लिए नहीं बनी थी और इस वजह से उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा? क्या दूसरा इसके लिए जिम्मेदार वो महिला हैं जिन्होंने अपनी ये गंदी सोच बना के रखी है कि ये जो जाति विशेष के लोग हैं वही एक ऊंचे पोस्ट पे पहुंच सकते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग उस पोस्ट पे नहीं आ पाते हैं? क्या उनकी गलती है? क्या तीसरी गलती आप बताइए किसकी है? तीसरी गलती प्रशासन की है? क्या आज भी हमारे देश में एक कठिन नियम ना होने की वजह से हमारे साथ हमारी पायल बहन के साथ जो हुआ वो प्रशासन की गलती है? आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, और आप मेरे बात से कितना सहमत हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर